नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला जिला जालौन कालपी क्षेत्र के हीरापुर गांव की घटना है, जहां महिला द्वारा बताया गया कि दिनांक 23 तारीख को पति ससुर खेतों में पानी लगाने चले गए। इसी दौरान घर में अकेली पाकर पड़ोसी युवक जीतू उर्फ जितेंद्र ने पीछे से आकर दबोच लिया तथा घर के पीछे सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। महिला द्वारा शोर मचाने पर पति ससुर ने जब आरोपी को पकड़ना चाहा तो पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हो गया। पीड़ित महिला के ससुर द्वारा बताया गया कि जब इस मामले में थाना कालपी में शिकायत की गई तो पीड़ित बहू को 5 दिन तक थाने में रखा गया और 3 दिन के बाद मेडिकल कराया गया। वहीं ससुर व पीड़ित महिला का कहना है कि पुलिस ने आरोपी युवक के साथ मिलीभगत करके कोई कार्रवाई नहीं की तथा आरोपी युवक को छोड़ दिया तथा पुलिस ने जांच का हवाला देकर पीड़ित महिला को टरका दिया। कई दिन गुजर जाने के बाद पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जब इस संबंध में एसओ कालपी जालौन से बात की गई तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। आरोपी गिरफ्तार न हो पाने के चलते पीड़ित महिला योगी सरकार में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं कार्रवाई न होने के कारण दबंग आरोपी युवक लगातार महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा है। आपके साथ जो घटना हुई कैसे हुई, किस तारीख हुई थी? 27 तारीख। क्या हुआ था आपके साथ में? सर जीतू आया था सर। कहाँ रहने वाला जीतू? हीरापुर का सर। क्या किया आपके साथ में? सर हम खेत में सर थे तो उसने खेत में लैटरिन करने गए थे सर। वो आया सर, रेप किया सर। और मैं रेप करने के बाद सर कपड़े पे हमारे ऊपर कर दिए सर। फिर इस बार में रेप किया, रेप करने के बाद सर मारने की धमकी दी और भाग गए सर। आपने बचाव चिल्लाया नहीं? जी सर, हमने चिल्लाया। मैं ससुर और पति और हो गए सर आके। तो आपने शिकायत थाने में की थी क्या? जी सर, थाने में की थी। क्या पुलिस ने कार्रवाई की अभी तक? पुलिस सर कुछ कार्रवाई नहीं की। पाँच दिन मुझे थाने में रखा और 3 दिन के बाद मेडिकल हुआ सर। किसका? आपका? जी सर। पुलिस ने 5 दिन थाने में आपको रखा? जी सर। आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी? जी सर। अब आरोपी कहाँ है? आरोपी सर ना तो उन्हें मुलजिम को ले दिया सर, छोड़ दिया। जी सर। तो आपने इसकी शिकायत एसपी साहब से नहीं की? सर की थी, हमें मिले नहीं। मैं आपका राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम हीरापुर, तहसील कालपी, थाना कालपी। तो आपकी जो घटना हुई है आपके घर में बहू के साथ में, क्या है पूरा मामला? मामला तो ये है कि बहू घर में रहती, घर बना है वहीं रहती थी। हम सुबह 7:30 बजे अपने खेतों में पानी लगाने की तैयारी बना रहे थे। तो बहू के साथ देखा तो ये हल्ला गुल्ला सुना तो जीती पुत्र ड्रामा सर ये वहाँ था, वहाँ बहू के साथ में रेप कर रहा था। तो वहाँ से अपना पैंट पकड़ के हाथ खड़ा हुआ गाली देते हुए। आपने इसकी शिकायत थाने में की थी? जी हाँ। तो क्या पुलिस ने कार्रवाई की अभी तक? अब ये साहब हमको एक कागज बना कर दे दिया है, दफाओं में 2 लगी हैं लेकिन FIR कॉपी दे दी आपको। हाँ। तो आरोपी जेल गया नहीं गया? नहीं, कोई जेल। महिला को मेडिकल कराया गया? महिला को मेडिकल कराया गया। महिला को 5 दिन तक थाने में रखा गया और 3 दिन बाद महिला की डॉक्टरी कराई गई। तो आरोपी इसमें कहाँ है? थाने साहब हमें तो मालूम है नहीं, लेकिन वहाँ नहीं है, थाने में नहीं है। अब आपको क्या लगता है पुलिस को लेकर, क्या लगता है पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की कि नहीं की? हमारे समझ में नहीं आ रहा साहब, कुछ पत्रकार वगैरह मिल के हमें लगा रफा दफा करा ले रहे हैं और हमारे आधार पर पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, आधार कार्ड हमारे और हमारे लड़के का कल लिया परसों लिया गया। किसने लिया था? ये हल्के इंचार्ज। हल्का इंचार्ज कालपी थाने का? हाँ। और उसने साइन करा लिए और उसी नेट में उसको साइन छोड़ दिया, साइन करा छोड़ दिए गए। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जंग बहादुर की खास रिपोर्ट।